दोस्तों नमस्कार। देखिए मैं आया हूँ आज गांधीनगर में, और गांधीनगर में भी मैं आया हूँ फैक्ट्री एरिया के अंदर। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कपड़े की कटिंग होती है और किस तरीके से सिलाई होती है। पूरी फैक्ट्री कवर करने वाला हूँ, जो यहाँ पर किड्स वियरिंग आपको तैयार करके दी जाती है। दोस्तों आप देखिए ये चार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये कटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी कपड़ा बिछाया गया है, उसके बाद यहाँ पर कटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, मैं फैक्ट्री में लेकर के चलता हूँ जहाँ पर सिलाई वगैरह हो रही है, और जो जो प्रोसीजर फैक्ट्री का होता है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो पर बने रहिए, और सर से भी बात कराने वाला हूँ कि यदि आप किसी होलसेलर से माल लेते हैं और डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लेते हैं तो कितना डिफरेंस, कितना बेनिफिट आपको होने वाला है। तो डायरेक्ट आज गांधीनगर के धर्मपुरा फैक्ट्री एरिया में आया हूँ। पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, और बाकी का जो भी प्रोसीजर है, जो भी जानकारी है, वो सर से मैं लूँगा। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री विजिट के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर कटिंग हो रही है कपड़े की, उसके बाद आगे का प्रोसीजर फैक्ट्री में होता है, सिलाई का, रंगाई का, स्टिचिंग, बटन वगैरह सब कुछ होते हैं। ये पहला प्रोसीजर दिखा रहा हूँ, ये देखिए कपड़े की कटिंग, यहाँ पर कपड़े की कटिंग होती है। ये देखिए किस तरह से कपड़े की कटिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ पर पेंसिल से पहले ही डिज़ाइन बना लिया जाता है कि कहाँ पर किस तरह की कटिंग होनी है, और इस मशीन से बहुत सारे कपड़े इसके नीचे हैं। मैं यहाँ पर मोटाई दिखा देता हूँ, बहुत कपड़े इसके अंदर है। ये देखिए एक तरफ यहाँ से हो रही है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि ये भी यहाँ पर कटिंग हो रही है। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं फैक्ट्री में जहाँ पर सिलाई हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सर बताइए कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जैसे कि आपने नीचे देखा कि कटिंग होती है, फिर ऊपर आके यहाँ पे सिलाई होती है जी। तो जैसे अभी ये हो रहा है, ये डाइट कपड़ा है जी, जैसे यहाँ पे सारी स्टिचिंग यहीं पर ही होती है हमारी जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कार्गो यहाँ पर सिलाई हो रही है। ये टोटली काम यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग का है, और यहाँ से आपको जितने भी होलसेलर गांधीनगर में बैठे हैं, बहुत ऐसे होलसेलर्स के पास यहाँ पे माल जाता है। ये देखिए आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी बड़ी फैक्ट्री का ये एरिया है, यहाँ पर सब सिलाई हो रही है। ये RFT का कपड़ा जो व्हाइट वाला आप देख रहे हो, इसी को ही डाइंग करके अलग अलग कलर बनाया जाता है, जिसे आप जींस भी बोल देते हो। तो सर एक बार ये कपड़ा दिखा दीजिए आप। जैसे कि ये RFT का कपड़ा है, व्हाइट कलर का होता है जी, इसी में वॉशिंग होती है हमारी, जिस हिसाब से होता है कलर चार्ट वगैरह। अच्छा अच्छा, इसमें डाई होती है। अच्छा, ये साइज कौन सा है सर? ये साइज आपका 32 है। 32 है, हाँ जी। तो ये बच्चों का बना रहे हो आप या बड़ों का है? अभी हमारा बच्चों का ही है। अच्छा, ये 32 बच्चों का साइज है, हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपको मैं यहाँ पे फैब्रिक दिखा रहा हूँ, जूम करके भी दिखा रहा हूँ। ये RFT का कपड़ा, और सिलाई स्टिचिंग आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा, अभी ये पीस तैयार नहीं है मगर एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो सर ये जिस तरह का ये व्हाइट कपड़ा है, इसी के ऊपर सभी डाइंग होकर सारा कलर अलग अलग होता है, हाँ जी। अच्छा, चार पांच कलर हो जाते हैं। अच्छा, चार पांच कलर। तो दोस्तों अभी मैं आपको सैंपल भी दिखाने वाला हूँ, चार पांच कलर हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये फैक्ट्री दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये काम हो रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पर 4G पैटर्न और जींस तैयार हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं नीचे जा करके आपको सैंपल भी दिखाने वाला हूँ, तो चलिए आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखा दे। तो दोस्तों देखिए ये दूसरा पार्ट फैक्ट्री का आ चुका है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके भी। यहाँ पर इस तरह के ये आइटम अभी अनपैकिंग रखे हुए। तो सर यहाँ पर जो आपका एरिया है, यहाँ पर क्या क्या काम होता है? ये अभी माल तैयार होकर रखा हुआ है, अभी पैकिंग वगैरह में जाएगा। अच्छा, तो ये जैसे कि स्टिच होकर पूरा तैयार हुआ हुआ है जी। एक दिखा देता हूँ आपको जी। ये जैसे कि स्टिच होकर पूरा तैयार है। अच्छा अच्छा, बस ये अब कास्ट टाकी के लिए जाएगा, फिर पैकिंग में जाएगा। अच्छा, अभी इसके हुक वगैरह शायद रहे, ये टाकी में जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये कास्ट टाकी होती है, यहाँ पे जैसे बटन वगैरह होगा, भी बटन का काम होगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या क्या आइटम में होती है? ज़्यादातर कार्गो वगैरह होती है, RFD इस वाले कपड़े की होती है। अच्छा, और ठीक है, इसमें आप जो आप डाइंग बता रहे थे कि ये डाइंग अलग अलग होती है, वो भी आप दिखा दीजिए एक बार, कौन कौन सी डाइंग किस डाइंग आपको मैं नीचे दिखा दूंगा जहाँ पे सैंपल दिखाऊंगा। ठीक है ठीक है,
चलिए तो यहाँ पर सर ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो कटिंग है, कटिंग ला के छाट रहे हैं अलग अलग, जैसे एक एक कारीगर को अलग करके देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, कौन सा पार्ट है पैंट का? ये पॉकेट है। अच्छा, ये पॉकेट है। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये पॉकेट तैयार की जाती है। पॉकेट हो गई, फिर ये उसके ऊपर ये पॉकेट की फ्लैप हो गई। अच्छा अच्छा, जैसे ये आ गई ना जी, ये पॉकेट होती है जी, ये इसके ऊपर का पार्ट होता है, ये फ्लैप होता है, ये जो अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो देखिए दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि फैक्ट्री का किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जो गांधीनगर के होलसेलर्स हैं वे यहीं से माल लेकर के जाते हैं। आप देख सकते हो कि स्टिचिंग वगैरह यहाँ पर चल रही है। मैं आपको यहाँ पर और भी दिखा देता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर सिलाई का काम हो रहा है। तो ये देखिए चैन का भी प्रोसीजर यहाँ पर हो रहा है। ये पैर में लगती है ये चैन है। अच्छा, जैसे कार्गो होती है, कार्गो के साइड में जो चैन होती है वो चीज़ है। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिलाई वगैरह हो रही है। इस तरह से आप देखिए ये नीचे मोहरी के पास चैन का प्रोसीजर चला हुआ है। तो पूरा प्रोसीजर इसी तरह से तैयार होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इसी तरीके से प्रत्येक फैक्ट्री में इसी तरीके से काम होता है। तो सर यदि कोई आपके पास आना चाहता है फैक्ट्री के अंदर, आप होलसेल में डील करते हो, तो आपका होलसेल में और जो गांधीनगर में होलसेलर बैठे हो उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है? कम से कम 10-15% का डिफरेंस आ जाता है अगर आप अच्छा डायरेक्ट यदि आपकी फैक्ट्री से लेते हैं तो। गांधीनगर में भी आपका माल सप्लाई होता होगा? हाँ जी होता है। अच्छा, तो एक फैक्ट्री की प्राइसिंग में अलग होती है, फिर उधर वो अपना मार्जिन रखते हैं, उसमें तो डिफरेंस आते हैं। तो अब क्या दिखाने वाले हैं आप? अब आपको सैंपल दिखाएंगे नीचे जाके। ठीक है सर, चलिए। तो देखिए दोस्तों ये पूरा यहाँ पर गोदाम दिखा रहा हूँ, जो माल तैयार होता है इस तरह से यहाँ पर आकर के एक गोदाम में इकट्ठा हो जाता है, और गोदाम में इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर जो डाइंग होती है कंप्लीट होकर के आ जाता है, उसके बाद पैकिंग का प्रोसीजर होता है। सर मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई एक पीस दिखा दीजिए किस तरह से डाइंग कलर वगैरह की। हाँ जी, आपको अभी जैसे अभी बता रहे थे डाइंग होके आती है जी, तो ये पीस डाइंग डाई होके आई है सारी जी। ये जैसे व्हाइट वाला कपड़ा था RFD का जी, ये ऐसे डाई होके आती है। अच्छा अच्छा, तो देखिए दोस्तों पहले अपने को हमने RFD वाइट दिखाया था, और वाइट के ऊपर ही ये डाइंग होकर के आती है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की डाइंग अलग अलग कलर की यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसी तरह से यहाँ पर ब्लू कलर भी, मैं सर वो जो ब्लू कलर के रखी हुई है उसे और दिखा दीजिए। हाँ जी, ये देखिए ये एक और इस तरह की डाइंग कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो RFD वाइट वाला कपड़ा था। इस तरीके से ये सभी जीन्स RFD ट्राउजर्स वगैरह इसी तरीके से पूरे मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, फिर प्रेसिंग होकर पैकिंग होकर के ये होलसेलर के पास पहुँचते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी प्यारी डाइंग, कितना प्यारा कलर, एम्ब्रॉयडरी वगैरह आपको फुल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए स्टिचिंग की मैं बात करूँ तो एक एक धागा आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सफाई से दिखने वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे कलर इस तरह से देखिए बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पर पैकिंग करने के बाद। अभी पैकिंग का प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जी सर और बताइए आप इनके बारे में। हमारे जो स्टिचिंग होती है वो सबसे अच्छी होती है जी, जी। हमारे जो कारीगर वगैरह ज़्यादातर बंगाल साइड के हैं। अच्छा, तो अच्छा। आपको पता ही होगा जैसे गांधीनगर में जितने भी स्टिचिंग के कारीगर होते हैं जी, जी। वो ज़्यादातर 80-90% ज़्यादातर बंगाल साइड के होते हैं, तो उनके हाथ की जो स्टिचिंग होती है वो बेहतरीन होती है जी जी। तो जैसे ये प्रोसीजर यहाँ पर हो जाए तो इसके बाद प्रेसिंग पर जाता होगा? हाँ जी बिल्कुल, प्रेसिंग भी आपकी लगी हुई होगी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, वो भी देख ले। तो उसके बाद पैकिंग वगैरह कैसी होती है वो भी आप दिखा दीजिए। ओके सर। तो देखिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ प्रेसिंग डिपार्टमेंट में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आइटम जो है प्रेस होकर के लग गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से डाइंग होने के बाद माल गोदाम में पड़ा था, अब यहाँ पर प्रेसिंग हो चुकी है। तो ये मैं यहाँ पर भैया को दिखा देता हूँ, ये प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ये प्रेसिंग हो रही है इस तरह से। प्रेस होने के बाद उसके बाद जो प्रोसीजर पैकिंग का होता है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से मशीन की से प्रेसिंग होती है जी सर। इनमें से देखिए मैं कलर डाइंग दिखा रहा हूँ आपको, कितने प्यारे प्यारे कलर यहाँ पर हो रखे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना प्यारा पीस है। इस तरह के सैंपल्स आपको मिलेंगे। अभी मैं रेट भी आपको बताने वाला हूँ, रेट क्या होगा और कहाँ से ये डील करते हैं, कितना डिफरेंस आपको मिलने वाला है। बहुत सारे कलर डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जी। देखिए एक से एक बढ़कर। सर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी A1 मिलेगी आपको, उसकी कोई टेंशन नहीं है।
एक पैकेट में कितने पीस देते हो आप इसमें? एक पैकेट कलर के हिसाब से होता है, जैसे बंडल होता है इसका। अच्छा, तो जैसे एक कलर आता है तो उसमें एक साइज में दो तीन कलर का पूरा ही गड्ढा होता है, या ऐसा होता है कि एक कलर का भी गड्ढा ले सकता है कोई? नहीं, हमारा बंडल होता है पूरा। अच्छा, एक कोई ऐसा नहीं होता कि एक कलर ले ले, क्योंकि फिर सेट खराब हो जाता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए दोस्तों 10-15% का डिफरेंस आने वाला है। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अभी मैं पैकिंग डिपार्टमेंट में और चलता हूँ, पैकिंग भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक पीस और मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना प्यारा यहाँ पर पीस है। ये देखिए कितनी प्यारी स्टिचिंग यहाँ पर आ रही है। तो ये स्ट्रेच वगैरह नहीं होता थोड़ा? हाँ, स्ट्रेच होता है, ये देखिए ये स्ट्रेच में ही होता है। अच्छा, ये सारा स्ट्रेच होता है। आरएफडी में भी काफी। तो जो आपके पास यहाँ पर माल तैयार होता है, कितने साल के बच्चे से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है ये? जैसे कि 20 से लेके 40 साइज तक का होता है। अच्छा, 20 से 40 साइज तक होता है। हाँ जी, बच्चों में। अच्छा, तो स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है? 90 से लेके स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम 300-350 ऐसे जाता है। अच्छा, 350। जो आप 190 की दे रहे हो, तो होलसेल में जो गांधीनगर में मिलता है वो आपका 190, और वहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाता है रेट उसमें? जैसे कि आपको बताया 10-15% का डिफरेंस आ जाता है। जी जी, तो जैसे हर क्वालिटी की रेट अलग अलग होता है, वो जैसे रेट सैंपल दिखाएंगे उस हिसाब से रेट होगा। अच्छा अच्छा, यानी कि जो 190 है, 10-15% का मतलब तो ये हो गया कि लगभग 230 के आसपास की आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब पैकिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं, पैकिंग देख लेते हैं। देखिए अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पर चेकिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पर देखिए चेकिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए इस तरह से चेकिंग होती है। ये कोई धागा वगैरह रह जाता है तो उस धागे को काटते हैं, या कोई भी किसी भी तरह से फ्रेश नज़र नहीं आता तो उसको पूरी तरह से चेक करने के बाद यहाँ पर पूरी तैयार की जाती है। तो ये प्रेसिंग करने के बाद चेकिंग होती है, या पहले चेकिंग होती है बाद में प्रेसिंग? पहले प्रेसिंग होती है फिर चेकिंग होती है। अच्छा, पहले प्रेसिंग होती है फिर चेकिंग। मैं ये तो कह रहा हूँ क्योंकि बड़ा ही फ्रेश नज़र आ रहा है, उसके बाद पैकिंग होती है। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो माल है ये सब अनपैकिंग पड़ा हुआ है अभी। हाँ। अगर कोई पैकिंग करता है तो आप किस तरह से पैकिंग करते हो? पैकिंग उस तरफ से उस तरफ। अच्छा, वो दूसरा डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इतना माल अभी पड़ा हुआ और यहाँ पर ये चेकिंग चल रही है। देखिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर बटन का प्रोसीजर, किस तरह से बटन वगैरह लगाए जाते हैं। देखिए भैया ने अभी बटन रखा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये बटन रखा और बटन किस तरह से ये यहाँ पर सेट हो जाता है। तो आप एक बार ये बटन लगाने के बाद दिखाइएगा ज़रूर। एक मिनट आप मुझे दिखा दीजिए कि बटन जो लगाया आपने वो कैसा लगा, आप दिखा दीजिए एक बार मुझे। तो देखिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, ये बटन अभी मशीन से लगाया गया और ये सिलाई वगैरह सब कुछ इस पर ऑटोमेटिक हो जाती है और बहुत ही मजबूती के साथ ये लग जाता है। अगर इसे मैं खींच भी रहा हूँ तो देखिए बड़ी जल्दी से ये निकल नहीं रहा, काफ़ी मजबूत बटन लगाया गया है। तो ये बटन का प्रोसीजर था यहाँ पर। देखिए अब मैं पैकिंग डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इस यहाँ पर पैकिंग किया हुआ माल रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो पैक करने के बाद यहाँ पर माल रखा जाता है। हाँ जी। तो देखिए एक से बढ़कर एक कलेक्शन यहाँ पर आपको दिखने वाला है, कितना बड़ा यहाँ पर ये पैकिंग का वेयर हाउस है। और मैंने अभी आपको सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखाए हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट्स कर सकते हो। अभी सैंपल देखने के लिए वीडियो पर बने रहे, मैं अभी आपको सैंपल भी दिखाने वाला हूँ इसमें, और सर से भी बात कराने वाला हूँ कि दिवाली स्पेशल पर स्पेशल क्या ऑफर्स उन्होंने निकाल रखा है और किस तरीके से आप इनकी फैक्ट्री में पहुँच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है कि बच्चों की जीन्स और कार्गो पैंट किस तरह से फैक्ट्री में तैयार होती है और फिर गांधीनगर के और दूसरे इंडिया के जितने भी होलसेलर हैं यहाँ से माल लेकर के जाते हैं। मेन उद्देश्य है कि आपको माल सस्ता मिले, अच्छी क्वालिटी मिले। आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया, एक एक पॉइंट आपको बता दिया। आप समझ चुके होंगे कि इसमें बेहतर क्वालिटी की अब आप कैसे पहचान कर सकते हो। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ सैंपल जो तैयार होकर के, आपको कुछ सैंपल भी दिखाए जाते हैं। दोस्तों सेकंड पार्ट में मैं रेट वाइज एक एक पीस सैंपल बताने वाला हूं कि कौन सा कितने रुपए का है और कितना डिफरेंस होलसेल मार्केट गांधीनगर से फैक्ट्री में आने वाला। आप दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।